नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल होटल मैनेजमेंट बाय पीएस आज हम पढ़ेंगे होटल्स के प्लान्स के बारे में टाइप्स ऑफ प्लान्स यूज्ड इन होटल सो लेट्स सी स्टर में कई तरह के प्लान यूज होते हैं जिनमें से काफ़ी चलने वाला प्लान है कॉन्टिनेंटल प्लान अमेरिकन प्लान मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान यूरोपियन प्लान बर्मुंडा प्लान एंड गो प्लान कॉन्टिनेंटल प्लान के बारे में कॉन्टिनेंटल प्लान होता क्या है कॉन्टीनेंटल प्लान वही प्लान है इन दिस टाइप ऑफ प्लान ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड विथ रूम रेंट इट मीन्स ब्रेकफासव कॉम्प्लीमेंटरी टू टू द गेस्ट इफ़ ए गेस्ट बुकड ए रूम अंडर कॉन्टिनेंटल प्लान जिसको हम सी पी प्लान बोलते हैं काफ़ी चलने वाला प्लान है उस प्लान में गेस्ट को कम्प्लीमेंटरी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है जानते हैं अमेरिकन प्लान के बारे में व्हाट इज़ अमेरिकन प्लान ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंटरी एंड टू मेजर मेजर मील ऑल्सो इन दिस प्लान वी प्रोवाइड ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर टू द गेस्ट इस इस प्लान में गेस्ट जब रूम बुकिंग करता है तभी गेस्ट को रूम के साथ साथ ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तीनों मील्स प्रोवाइड किया जाता है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान जिसको एम प्लान के नाम पर जाना जाता है मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान पे क्या होता है गेस्ट को ब्रेकफास्ट एंड वन मेजर मील गेस्ट बुक के रूम दैट रूम रेंट इंक्लूडिंग वन ब्रेकफास्ट एंड वन मेजर मिल दैट मे बी लंच और डिनर उसमें गेस्ट ब्रेकफास्ट के साथ लंच या डिनर कोई एक लंच या डिनर में से कोई एक ले सकता है इंक्लूडिंग दिस पैकेज अभी जानते हैं यूरोपियन प्लान के बारे में इन दिस प्लान रूम ओन रूम रेंट ओनली टेकन यूरोपियन प्लान जिसको ईपी प्लान के नाम पे जाना जाता है यही प्लान में हम ओनली रूम का रेंट लिया जाता है गेस्ट से बाकी गेस्ट जो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर हाइटी जो भी लिए उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज रहता है गेस्ट प्री बुक अगर करता है तो गेस्ट रूम रेंट रूम रेंट ही ओनली पेमेंट करता है उसमें बाकी जो कुछ फूड का बिल होता है और द टाइम ऑफ चेकआउट विल पे फॉर दैट सो दैट इज कॉल्ड ई प्लान नेक्स्ट रहेगा हमारा बरमुडा प्लान बरमोंडा प्लान क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ प्लान जो रूम रेंट अलॉन्ग विथ अमेरिकन प्लान मतलब जो अमेरिकन प्लान में से हमने गेस्ट को या प्रोवाइडिंग हिम दोनों मेजर मिल देते थे बर्मुडा प्लान में अगर गेस्ट रूम बुक करके आता है तो उसमें उसमें रूम रेंट के साथ में ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तीनों इंक्लूड होकर रहता है एक ब्रेकफास्ट एंड दो मेजर मिल इंक्लूड होकर रहता है जिसको हम बर्मुडा प्लान कहते हैं अब जानते हैं गो प्लान के बारे में गो प्लान क्या होता है यूजली गो प्लान चेन uh, होटल्स में प्रोवाइड किया जाता है इसमें क्या होता है मान लीजिए गेस्ट ने एक सिटी में स्टे किया फिर वहाँ से दूसरा सिटी में जाकर सेम होटल में सेफ ही चेन सेम ग्रुप का होटल में स्टे करता है तो वहाँ पे या तीन चार जगह में वो स्टे करता है होटल्स में लेकिन सेम कंपनीज होता है सेम ग्रुप का होटल्स होता है उसमें गेस्ट एंड में जो होटल में छोड़ता है तो सारे होटल्स का बिल वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है तो व्हाट अपन गेस्ट को बीच में बिल का या बिलिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है गेस्ट पहले आकर अपने डेस्टिनेशन में घूमता है फिर जब वो होटल का उसका वेकेशन ख़त्म होता है या फाइनली जब ही यू वट आउट टू हिज होम तभी फाइनल बिल सेटल होता है जिसको हम गो प्लान कहते हैं तो दोस्तों ये था आज का टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में जो काफ़ी चलने वाला प्लान्स है होटल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है अगर प्लान्स के बारे में आप नहीं जान जान पाएंगे तो यूजुअली शुरू से ही जैसे बुकिंग लेने से ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगा सो दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन होटल इंडस्ट्री तो उम्मीद करता हूँ आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं फिर एक नया चैप्टर लेके एक नया एपिसोड में तब तक के लिए थैंक यू सो मच नमस्कार